इस वीडियो में मैं आपको कोई चमत्कार नहीं सिखाने वाला, ना कोई अल्ट्रा स्पेशल या बहुत नई बात बताने वाला हूँ जो अचानक से आपकी गाड़ी स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी एसेसरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो डेली रूटीन लाइफ में गाड़ियों के अंदर बहुत काम आती हैं या फिर काम आ सकती हैं। इनमें से ज़्यादातर एसेसरीज आप में से ज़्यादातर लोग शायद पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सभी एसेसरीज को नहीं जानते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता भी है क्या। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो वेबसाइट पर जाएं, प्रोडक्ट को सर्च करें, फिल्टर करें, रेटिंग देखें, रिव्यूज़ पढ़ें, उसके बाद जाके शॉपिंग करें। तो कुछ इन्हीं तरह के लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एसेसरी है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। वैसे तो हमारी गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर दोनों तरफ रियर व्यू मिरर्स दिए गए होते हैं ताकि हम अपनी ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे गाड़ी के पीछे भी देख सकें, लेकिन इनके होने के बावजूद भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स को और कम करने के लिए एक एसेसरी आती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है जो आपको वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करता है। ये लेंस आपकी गाड़ी के बाहर दिए दोनों वारवियम्स के ऊपर लग जाता है, जिनकी मदद से आप ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे गाड़ी के अगल बगल और पीछे पहले से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इन लेंस की आपको कई तरीके की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। कुछ ऐसे हैं जो 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे भी आपको पसंद आए वैसे आप खरीद सकते हैं। करीब 200 से 400 रुपए के ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट खुल जाएगा और वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपने घर के अगल बगल किसी कार एसेसरी शॉप से खरीदना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। दूसरी एसेसरी है टायर इन्फ्लेटर। ऐसा कभी ना कभी होता ही है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और पंचर सही करने की दुकान आसपास नहीं होती। मजबूरी में हमें साफ सुथरे कपड़े पहने हुए स्टेपनी निकालकर टायर चेंज करना पड़ता है, जिसमें करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जो हमारे पास ज़्यादातर नहीं होते। तो इस तरह की कंडीशन में टायर इन्फ्लेटर बहुत काम आता है, जिसकी मदद से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपने टायर में हवा भरकर गाड़ी को किसी पंचर की दुकान तक ले जा सकते हैं या फिर अपना कोई टेम्पररी काम भी निपटा सकते हैं। आजकल वैसे भी सभी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, जब तक वो रोटेट होते रहते हैं तब तक उनमें से हवा बहुत ही कम निकल पाती है। दो तरह के टायर इन्फ्लेटर आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक है और दूसरा मैनुअल है। इलेक्ट्रिक इन्फ्लेटर आपकी गाड़ी में दिए गए 12 वोल्ट के पावर सॉकेट में जाकर लग जाता है। उसके बाद आपको गाड़ी चालू कर लेनी है और एक बटन दबाते से ही आपके टायर में हार्डली 2 से 3 मिनट में हवा भर जाती है। इलेक्ट्रिक इन्फ्लेटर्स में LED लाइट भी दी हुई होती है जो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। ये आपको अमेज़ॉन पर करीब 1.5 से 2 हज़ार रुपये तक के मिल जाते हैं। अगर आप बहुत पावरफुल या फिर बहुत अच्छा कोई इन्फ्लेटर खरीदना चाहते हैं तो करीब 4.5 से 5 हज़ार रुपये तक के भी दिए हुए हैं। और दूसरे आते हैं मैनुअल फुट पंप। इसको आपको अपने पैरों से दबाना होता है और टायर में हवा भर जाती है। कितनी देर में भरेगी वो आप पे डिपेंड करता है। अमेज़ॉन पर ये करीब आपको 600 रुपये से 1000 रुपये तक के मिल जाएंगे। इन दोनों की ही, इलेक्ट्रिक और मैनुअल इन्फ्लेटर की, मैंने लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप चाहें तो उन लिंक के थ्रू जाके इन्हें खरीद सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन इन्फ्लेटर्स को आप घर के और भी कामों में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एसेसरी है लंबर सपोर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईवे ड्राइविंग बहुत करते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पर अक्सर जाते ही रहते हैं, या अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है, तो इस तरह के लोगों के लिए ये एसेसरी काफ़ी यूज़फुल है। अमेज़ॉन पर आपको ये कई तरह के मिल जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे कि एक है मेमोरी फोम कुशन विथ लंबर सपोर्ट। ये आपको कंफर्ट के साथ साथ लंबर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसका कवर वॉशेबल है, आप धोकर इसे वापस लगा सकते हैं। करीब 1500 रुपये तक के ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मल वेंटिलेशन पैड विथ लंबर सपोर्ट्स भी आते हैं, ये आपको सस्ते मिल जाते हैं करीब 200 से 300 रुपये के। इनमें से कुछ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से जाके भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियों की सीट्स कम्फर्टेबल नहीं होती लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से, या फिर कुछ लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, उन्हें मजबूरी में नीचे तकिया लगाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से देख सकें। तो इस तरह के लोगों के लिए सीट कुशन आता है, जेल पैड्स आते हैं जो कंफर्टेबल भी होते हैं और आपको हाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं। इन सभी वेंटिलेशन और कुशंस को आप गाड़ियों में ही नहीं, अपने घरों में या ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी एसेसरी बड़ी काम की है, जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी की स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। जो लोग रेगुलरली गाड़ी चलाते रहते हैं उन लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि सीट और सेंट्रल कंसोल के बीच में
जो जगह दी हुई होती है वहाँ पर कचरा गिरने के बाद उसे साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। या तो वो जगह गंदी पड़ी ही रहती है और अगर उसे साफ़ करने की कोशिश भी की जाए तो बहुत मेहनत लगती है। इसी गैप को फिल करने के लिए और साथ ही में स्टोरेज स्पेस भी बढ़ाने के लिए मार्केट में एसेसरीज आती हैं जिन्हें सीट गैप फिलर पॉकेट्स कहा जाता है। इनको सेंट्रल कंसोल के दोनों तरफ लगा दिया जाता है जिसकी वजह से वो जगह गंदी भी नहीं होती और साथ ही में इन पॉकेट्स के अंदर आप अपने सामान को भी रख सकते हैं जैसे मोबाइल, सनग्लासेस, कॉइन्स वगैरह वगैरह। अमेजोन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें फिलर पॉकेट्स की जगह कप होल्डर दिए हुए हैं। अगर आप रात को एक दो घंटे निकाल कर कहीं कुन्ने में बैठना पसंद करते हैं तो ये कप होल्डर्स आपके काम आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें पॉकेट्स के साथ साथ USB पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। उनमें डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है, मतलब कि एक तीर से दो शिकार। ये फिलर पॉकेट्स आपको करीब 300 से 600 रुपए की मिल जाती हैं और अगर आप USB पोर्ट वाला फिलर पॉकेट खरीदते हैं तो वो आपको करीब 1500 रुपए का मिल जाता है अमेजोन पर। अगर आप चाहें तो कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। गाड़ी के अंदर छोटा मोटा कचरा निकलता ही रहता है, जैसे कि आजकल कई सारे लोग टबैको खाते हैं या फिर टॉफी रैपर्स वगैरह वगैरह कुछ भी। अक्सर लोग इस कचरे को गाड़ी के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आप एक गार्बेज बॉक्स खरीद के अपनी गाड़ी और अपने शहर दोनों को साफ रख सकते हैं। कुछ चेन स्मोकर्स भी होते हैं जो इसको एस्ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। करीब 350 से 400 रुपये का मिल जाता है ये अमेजोन पर। इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, रियर सीट्स के पीछे, डोर्स पर, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये कई तरह के आते हैं, अमेजोन पर जाकर आप देख सकते हैं। मोबाइल होल्डर्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई खरीदना चाहता है तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेकिन अमेजोन पर कुछ ऐसे मोबाइल होल्डर्स भी दिए हुए हैं जो कि स्टीयरिंग पर लग जाते हैं। प्लीज़ इस तरह के मोबाइल होल्डर्स को अवॉइड करिएगा। अगर आप अक्सर फैमिली ट्रिप पर जाते रहते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे सामान होते हैं जो पूरी गाड़ी में फैले हुए होते हैं, उन्हें रखने की जगह नहीं मिलती। तो ऐसे में आप एक रियर सीट मल्टीपल पॉकेट बैग खरीद सकते हैं जिसमें कई सारी पॉकेट्स दी हुई होते हैं जिनमें आप बॉटल्स को, छोटे मोटे सामान को, अपने मोबाइल को, हर चीज़ को रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनमें एक टेबल ट्रे भी दी हुई है। अगर आपकी गाड़ी के रियर कैबिन में ज़्यादा जगह नहीं दी हुई है तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो सीट के साइड में लग जाते हैं जिसके कारण आपकी स्पेस भी कम नहीं होती। सीट के साइड में लगने वाली पॉकेट्स आपको करीब 400 से 500 रुपए की मिल जाती हैं, जबकि सीट के पीछे लगने वाली पॉकेट्स आपको करीब 1300 से 2000 रुपए तक की मिलती हैं अमेजोन पर। इनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। पांचवी एसेसरी है एयर प्योरीफायर। इसको आपने अभी हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई वेन्यू में देखा होगा। अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं। गाड़ी के अंदर एयर में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक गैसेस, बैड ऑडर, बदबू वगैरह, सिगरेट स्मोक वगैरह जो भी है XYZ, सबको ये फिल्टर कर देता है। आपको गाड़ी के अंदर एकदम प्योर, सेफ और हेल्दी ब्रीथिंग मिलती है। अमेजोन पर आपको दो तरह के कार एयर प्योरीफायर्स देखने को मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरे नॉन इलेक्ट्रिक नेचुरल। इलेक्ट्रिक प्योरीफायर बेहतर तरह से काम करते हैं लेकिन उतने ही महंगे भी आते हैं, करीब 4 से 6 हज़ार रुपये के मिलते हैं आपको ये अमेजोन पर। और दूसरी तरफ नॉन इलेक्ट्रिक नेचुरल प्योरीफायर्स आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, करीब 500 से 800 रुपये के। इन दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। छठवीं एसेसरी है वायरलेस ब्लूटूथ। अगर आपकी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है तो उसके लिए आपको पूरे के पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम को बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से डिवाइस की मदद से ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं और भी कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग, डुअल USB पोर्ट्स। दो USB पोर्ट्स मिलते हैं वो भी फास्ट चार्जिंग के, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। इन USB पोर्ट्स की मदद से आप पेन ड्राइव के थ्रू भी गाने बजा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्स केबल लगाने के लिए भी इसमें एक पोर्ट दिया हुआ है। माइक्रो SD कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हैं। अपने फ़ोन कॉल्स को इसकी मदद से उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक समय पर आप अपने दो फोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो है ना बहुत काम की चीज़। अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है, ना कोई USB पोर्ट है, ना ब्लूटूथ है, ना ऑक्स है, तो सिर्फ एक ही डिवाइस में आपको ये सब कुछ मिल जाता है। अमेजोन पर ये डिवाइस आपको करीब 1500 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ ही चाहते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वो ऑक्स पोर्ट में लगता है, ना कि 12 वोल्ट के पावर सॉकेट में। ये ब्लूटूथ डिवाइस काफ़ी सस्ता मिल जाता है, करीब 200 से 300 रुपये का।
इन दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। सातवीं एसेसरी बहुत कॉमन है, रियर पार्किंग कैमरा या फिर सेंसर्स। वैसे तो आजकल लॉन्च होने वाली हर किसी गाड़ी में, हर किसी वेरिएंट में आपको सेंसर्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन पार्किंग कैमरा आपको हर किसी वेरिएंट में नहीं मिल पाता। वैसे तो सेंसर्स की मदद से ही गाड़ी काफी आसानी से रिवर्स की जा सकती है, लेकिन अगर गाड़ी के पीछे कोई गड्ढा है या कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर रखा हुआ है तो सेंसर्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए रियर पार्किंग कैमरा विथ सेंसर्स ही बेस्ट हैं, इन दोनों को ही अपनी गाड़ी में लगवा लेना चाहिए। पार्किंग कैमरा तो आपको किसी भी कार एसेसरी की शॉप पर काफी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो ये करीब आपको 1.5 से 2.5 हज़ार रुपए का मिल जाता है। और अगर आप सिर्फ कैमरा खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन आपकी गाड़ी में पहले से ही दी हुई है, तो वो करीब आपको 600 से 700 रुपए का मिल जाता है। अगर आप सिर्फ सेंसर्स लगवाना चाहते हैं तो वो आपको करीब 500 से 1000 रुपए के मिल जाते हैं। और अगर आप रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स मतलब कि दोनों ही लगवाना चाहते हैं तो वो आपको करीब 3 से 4 हज़ार रुपए के मिल जाएंगे। इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप किसी भी कार एसेसरी शॉप पर चले जाएं, वहीं से आप इसको खरीद लें और वहीं की वहीं इसे इंस्टॉल भी करवा लें, क्योंकि इसको आप खुद से नहीं लगा सकते। आठवीं एसेसरी है डैश कैम। ये अभी हाल ही में काफी डिमांड में आने लगी है। ये आपके IRVM पर, विंड स्क्रीन पर, डैशबोर्ड पर, कहीं पर भी लग जाती है। ये डैश कैमरा गाड़ी के आगे जो भी कुछ होता है हर चीज को रिकॉर्ड करता है। कुछ कुछ डैश कैमरा में फ्रंट और रियर दोनों कैमरा आते हैं, तो गाड़ी के आगे के साथ साथ गाड़ी के पीछे की रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है। कभी ना कभी ऐसा कुछ हो ही जाता है कि हम सोचते हैं कि काश हमने ये रिकॉर्ड कर लिया होता, या कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम करने में भी ये रिकॉर्डिंग्स काफी काम आ जाती हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पर ये आपको करीब 3 से 4 हज़ार रुपये का मिल जाता है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। नाइन्थ एसेसरी है वेंटिलेटेड सीट्स। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है या फिर आपको गर्मी लगती ज़्यादा है, तो आप वेंटिलेटेड सीट्स को खरीद सकते हैं। ये एक कवर जैसा होता है जो आपकी सीट के ऊपर लग जाता है, आपको पूरी की पूरी सीट बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी में दिए हुए 12 वोल्ट के पावर सॉकेट में ये जाकर लग जाता है और ऑन हो जाता है। इसके अंदर फैन लगे हुए होते हैं, ये खुद से कूलिंग नहीं करता, कूलिंग तो आपकी गाड़ी में दिया हुआ AC ही करेगा। ये सिर्फ हवा फेंकता है जिसकी वजह से आपके बैक और अंडर थाइज में गर्मी नहीं लगती। ये एसेसरी थोड़ी कॉस्टली आती है, इसकी रिलायबिलिटी का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने अमेजोन पर इसको ख़रीदा हुआ है। ये काम कितना करती है, कैसा करती है, ख़राब होती है या नहीं होती है, ये सब मुझे नहीं पता। फिर भी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ये करीब 5.5 से 6 हज़ार रुपये की मिल जाती है अमेजोन पर। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 10th एसेसरी भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन उतने ही काम की भी है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। आजकल ना तो ये देखने में अच्छा लगता है और ना ही किसी के पास इतना समय है कि वो जेब से चाबी निकाल कर ड्राइवर डोर में डाले, फिर उसे खोले या फिर हर गेट को सेपरेटली बंद करता फिरे। इससे बेहतर है कि सिर्फ एक बटन दबाए सारे डोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं और अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ये एसेसरी जितनी यूजफुल है उस हिसाब से देखा जाए तो ये महंगी नहीं है। किसी भी कार एसेसरी शॉप पर बड़ी आसानी से ये आपको 4000 रुपये के लगभग मिल जानी चाहिए। फिर भी अगर आप इसे अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। 11th एसेसरी है पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर। वैसे तो ये डेली रूटीन लाइफ में इतनी काम की नहीं है, लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं या फैमिली ट्रिप पर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके काम जरूर आ सकती है। इसको आप गाड़ी में ही नहीं, बाहर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ साथ एक प्लग भी मिलता है जिसे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पिन में भी लगा सकते हैं। साइज के हिसाब से इसके प्राइसेस हैं, अमेजोन पर करीब 4 से 9 हज़ार रुपये तक की ये आपको मिल जाती है। कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसे उस लिंक के थ्रू जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए, बस यही कुछ ऐसी एसेसरीज थीं जो डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी काम आती हैं या फिर काम आ सकती हैं। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी एसेसरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और किसके बारे में आप पहले से नहीं जानते थे। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।